बाबा श्याम का खाटू मेला शुरू हो गया है और इसके साथ ही झुंझुनू से लेकर सीकर तक श्रद्धालु खाटू के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़ से बाबा श्याम का विश्व प्रसिद्ध निशान पूरे लाभ लश्कर के साथ रवाना हो चुका है, तो बाबा की इस पदयात्रा में हजारों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। बालक बुलावे मतना नाटो भरा श्याम जी, भगत बुलावे मतना नाटो भरा श्याम जी। बाबा खाटू श्याम के रंग में रंग चुका है राजस्थान। खाटू श्याम की पदयात्रा में श्रद्धालुओं का रैला। ये बाबा खाटू श्याम की महिमा है। बाबा श्याम के दीवाने, हजारों श्रद्धालुओं का रैला बस एक रंग में नजर आ रहा है, वो है भक्ति और सेवा के समर्पण का रंग। इस रंग में हर कोई बाबा के रंग में झूम रहा है। क्या पुरुष, क्या महिलाएं और क्या बच्चे। हर किसी पर बस बाबा खाटू श्याम की भक्ति की खुमारी है। देखिए, बाबा के भक्तों पर फूल बरस रहे हैं और इनके चेहरों पर मुस्कान है। ये आस्था का विषय है। सबसे बड़ी लोगों को इतनी श्रद्धा है यहाँ पर। हम लोग सूरजगढ़ के हैं, आप मेरी हवेली के पास ही खड़े हो तो बहुत अच्छा लगता है। दर्शन अभी आए हुए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे बाबा का। ये बस महत्वता यही है। बाबा श्याम का विश्व प्रसिद्ध सूरजगढ़ का निशान पूजा अर्चना के बाद सूरजगढ़ से रवाना हुआ। जो चौथे दिन खाटू के दरबार में पहुंचेगा। द्वादशी के दिन इसे सीकर के खाटू श्याम मंदिर के शिखरबंध पर धूमधाम से चढ़ाया जाएगा। सूरजगढ़ का निशान ही एकमात्र ऐसा निशान है जिसका इंतजार खाटू भी करता है और बाबा का शिखर बंद भी। निशान यात्रा में शामिल होने के अलावा इसके दर्शन के लिए भी लोग उमड़ते हैं। सीकर में बाबा खाटू श्याम का दरबार पूरी तरह से सज चुका है। सीकर में खाटू श्याम मंदिर में हजारों भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि ये निशान आज से करीब 324 साल पहले 1752 में अमरचंद भोजराज का परिवार ने शुरू किया था। तब से अब तक ये लगातार फाल्गुन में खाटू जाता है। भोजराज का की माने तो करीब 125 साल पहले अंग्रेजों ने बाबा के मंदिर में ताला लगा दिया था। तब इसी निशान की अगुवाई कर रहे सांवल राम के कहने पर मंगला राम ने मोरपंखी से ताला तोड़ दिया था। उस दिन के बाद से इस निशान की मान्यता सबसे ज्यादा बढ़ गई है और केवल यही वो निशान है जो बाबा के मंदिर के शिखरबंध पर चढ़ता है। इसके पीछे खास बात यह है कि अंग्रेजों ने खाटू श्याम के द्वार को, मुख्य द्वार को ताला लगा करके बंद कर दिया था, तो मंगलाराम भक्त हुए, उन्होंने मोरपंख से ताला खोला, तब जा करके उस निशान को मान्यता मिल गई। यही निशान वहाँ चढ़ता है शिखरबंध पे, बाकी कोई निशान नहीं चढ़ता। निशान के साथ महिलाएं भी अपने सिर पर सिगड़ी रख कर आती हैं। मान्यता है कि जिस महिला ने बाबा के सामने अपनी मुराद रखी और वो पूरी हो गई तो ये पदयात्रा में पूरे रास्ते सिर सिगड़ी रख कर पहुंचती हैं और वो बाबा को अर्पित करती हैं। ये महिलाएं पूरे रास्ते बाबा के भजनों पर नाचते गाते हुए श्रद्धा भाव के साथ पहुँचती हैं। सिगड़ी लेने का महत्व है, जिसकी मन्नत पूरी होती है हम लोग उसके लिए सिगड़ी लेते हैं, और जब हमारी मन्नत कंप्लीट हो जाती है तब हम लोग सिगड़ी लेके जाते हैं। हर मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वो निर्धन हो या धनवान हो, बाबा सबकी पुकार सुनता है। ये हारे का सहारा है, हमारा अलख दातार है। सूरजगढ़ का निशान रवाना होकर 4 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद खाटू पहुँचेगा। इस निशान के साथ हजारों श्रद्धालु इस पदयात्रा के साथ जुड़ते जा रहे हैं। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू।